लगातार कुछ सालों से जो यहाँ पे दीपावली का योगदान में जो भीड़ होती थी, जो मेला आता था, उसमें लगातार गिरावट आई है। मुझे लगता है कि इस बार तो अभी तक 3-4 सालों में सबसे कम मेला और भीड़ रही यहाँ पे। और लोग कुछ भी बोलेंगे, अभी अधिकारी अपना अनुमान लगाएंगे 25-30 लाख का, लेकिन हमारे जो अनुमान है कि 10-15 लाख से ज़्यादा लोग यहाँ पे नहीं आए, जो एक सामान्य सोमवती अमावस्या में लोग रहते हैं। उसका कारण है कि इतनी जगह बैरिकेड्स कर दिए जाते हैं, इतनी जगह दूर दूर से यात्रियों को रोक दिया जाता है, क्योंकि इस मेले में जो दिवाली का 3 दिन का मेला रहता है, लोग 3 दिन पहले से आना शुरू कर देते हैं। और इस मेले में बहुत धनाढ्य लोग नहीं आते हैं कि वो 50 रुपये 100 रुपये बस का या ऑटो का देख के कामतानाथ रजौला से इधर उधर आवागमन करिए। ये मध्यम वर्ग और मध्यम वर्ग से जो गरीब किसान और आदिवासी, गरीबों का मतलब इस आर्थिक रूप से जो बहुत सक्षम लोग नहीं होते, उन लोग पूरा बिंद और बुंदेलखंड के सारे लोग यहाँ पे आते हैं, क्योंकि वहाँ पर रजौला के आगे रोक दिया जाता है, यहाँ हनुमान धारा के आगे रोक दिया जाता है। कुछ व्यवस्थाओं को लेकर भी ऐसा दिक्कत क्या होती है? देखिए, मेला तो पहले इतनी व्यवस्थाएं भी नहीं थी, तो भी कांतानाथ जी की कृपा से मेला चलता था, इससे ज़्यादा भीड़ होती थी। अब व्यवस्थाओं के चलते कई बार अव्यवस्था हो जाती है, जैसे अब गाड़ियां तो रोक दी, बसेस रोक दी, अब उनको लग रहा है अधिकारी और जो प्रशासन है उनको लोकल का एटमॉस्फेयर और लोकल की भावनाओं और यात्रियों की भावनाओं का तो अंदाज़ा है नहीं, क्योंकि कभी किसी मीटिंग्स में, पहले तो मीटिंग्स भी होती थी, अब लोकल लोगों को इन्वॉल्व मीटिंग्स भी किया नहीं जाता है।